हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक टू आवर चैनल खंडवल क्लासेस। तो बच्चों, आज हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 लिविंग साइंस, क्लास 7 का। और आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने क्लासमेट्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। एंड अगर आपने इस चैप्टर का स्क्रीनिंग वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, आप जहां वहां पे जाके आप इस वीडियो को देख सकते हो, इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हो। मैंने बहुत ही इजी वे में आपको ये चैप्टर समझाया है, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हो। बाकी के अदर चैप्टर्स देखने हैं आपको, चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक, तो सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनिंग वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। MCQ टाइप का जो पहला क्वेश्चन है आपका वो है, विच ऑफ दीज इज नॉट ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। इनमें से कौन सा न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है? ठीक है, तो देखो न्यूट्रिशन का पार्ट्स नहीं है, तो आपका एक्सक्रीशन न्यूट्रिशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि एक्सक्रीशन में आप, ठीक है, डाइजेस्टिव फूड को आउट करते हो। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, द पॉइंटेड टीथ इन योर माउथ इज कॉल्ड। पॉइंटेड टीथ जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो जो पॉइंटेड टीथ होते हैं आपके माउथ में, ठीक है, वो आपके कैनिन्स होते हैं। ठीक है, राइट आंसर इज डी। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, द लास्ट पार्ट ऑफ द डाइजेशन इज ऑफ द फूड टेक प्लेस इन। ठीक है, तो जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने समझाया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डाइजेशन जो होता है वो लास्ट टाइम कहाँ पे होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा जो डाइजेशन है वो कम्प्लीट हो जाता है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ आपका वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स डज नॉट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो ऑसियोफोगस इसका राइट आंसर है, क्योंकि ऑसियोफोगस जो होता है वो आपके फूड पाइप को हम कहते हैं, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 5th है, द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इज इन ह्यूमंस टेक प्लेस इन द। ठीक है, तो वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा जो है फूड का कम्प्लीटली डाइजेशन हो जाता है। ठीक है, बाकी हमारा डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। आगे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेकडाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सोल्यूबल कंपाउंड इज कॉल्ड। ठीक है, तो उसको हम डाइजेशन कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्यूरिंग डाइजेशन फैट्स आर चेंज इनटू फैटी एसिड्स। ठीक है, फैट्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स या फिर ग्लिसरॉल्स में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, बाइल जूस इज प्रोड्यूस। ठीक है, तो बाइल जूस जो होता है हमारी बॉडी में लीवर्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द टीथ दैट आर यूज फॉर द वाइटिंग। ठीक है, वाइटिंग के लिए जो हम टीथ यूज करते हैं वो आपके इंसाइसर्स होते हैं, और ये टीथ आपके फ्रंट में होते हैं, बिल्कुल, ठीक है, सामने दोनों जॉज में होते हैं, ऊपर और नीचे। अगला क्वेश्चन 10 है, व्हाट काइंड ऑफ टीथ यू डू थिंक आर स्पेशली डेवलप इन कार्निवर्स। ठीक है, तो कार्निवर्स में आपके कैनिस जो टीथ होते हैं वो स्पेशली डेवलप होते हैं। ठीक है, ये आपकी कटिंग एंड पार्सिंग में काम आते हैं, यानी कि मेट को कट करने में। आगे हम देख रहे हैं कुछ वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स। तो उनमें पहला क्वेश्चन है आपका, डाइजेशन इन द प्रोसेस, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड इनटू सिंपलर और कौन सी फॉर्म, सोल्यूबल फॉर्म में हमारा डाइजेशन कम चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द नेम गिवन टू बी प्रोसेस ऑफ द बाय विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन आर यूटिलाइज बाय द बॉडी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, एसिमिलेशन बोलते हैं, यानी जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो हमारी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, उसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, नेम द कैविटी इन यूनिसेलुलर एनिमल्स इन विच फूड इज प्रेजेंट। ठीक है, तो
यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिल होते हैं, जो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिल होते हैं, उनमें जो फूड है वो वैक्यूल में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे ही इसका डाइजेशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, डाइजेशन बिगिंस इन द स्टोमक, ट्रू और फॉल्स? तो बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है वो हमारे माउथ से बिगिन होता है। अगला क्वेश्चन फिफ्थ है, सलाइवा हेल्प्स द मेकिंग द फूड बेट, इट डज नॉट हैव द एनी अदर फंक्शन। ठीक है, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि सलाइवा के अदर फंक्शंस भी होते हैं। ठीक है, सलाइवा हमारे टेस्ट के लिए भी यूज हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वेयर डज इनिशियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन टेक प्लेस? ठीक है, तो प्रोटीन का जो इनिशियल डाइजेशन होता है वो हमारे स्टोमक में होता है। अगला सेवंथ क्वेश्चन है, द वाइट हार्ड सब्सटेंस दैट इज कवर्स द टीथ इज कॉल्ड? तो एनेमल होता है। ठीक है, ENAMEL, एनेमल। एनेमल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब्ड? ठीक है, तो मैंने भी ऊपर बताया था आपको, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है। अगला क्वेश्चन नाइन है, द सेमी डाइजेस्टिव फूड दैट इज च्यूड अगेन बाय रूमिनेंट्स इज कॉल्ड कड? ठीक है, जो कि रूमिनेंट्स के द्वारा अगेन च्यू की जाता है, फर्स्ट टाइम में वो जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड था उसको हम कड कहते हैं। अगला 10 क्वेश्चन है, द फंक्शन ऑफ द बिलीज इज टू होल्ड द फूड इन द स्पेस बिटवीन देम सो दैट फूड कैन बी एब्जॉर्ब बाय द बॉल्स। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल ट्रू है, बिलीज जो होती है हमारे फूड को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और फिर इसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर देती है। आगे हम देख रहे हैं कुछ शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स, तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ डज ए फ्रॉग कैच इट्स प्रे? ठीक है, फ्रॉग जो होता है अपने प्रे को किस प्रकार कैच करता है? ठीक है, तो जब हमने चैप्टर को एक्सप्लेन किया था तो आपको अच्छे से समझाया था, फ्रॉग के पास टंग होती है, और टंग जो होती है स्टिकी होती है। ठीक है, तो वो स्टिकी टंग से अपने प्रे को कैच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, हाउ डज ए स्पाइडर डाइजेस्ट फूड? स्पाइडर किस प्रकार अपने फूड को डाइजेस्ट करता है? ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं हम, स्पाइडर इंजेक्ट डाइजेस्टिव जूस इनटू द बॉडी ऑफ द प्रे। स्पाइडर जो होते हैं वो इनके प्रे की जो बॉडी होती है उसमें डाइजेस्टिव जूस को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर ये उस डाइजेस्टिव जूस को लिक्विड फॉर्म में टेक करते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं मैं कि जो स्पाइडर होता है इसमें जो डाइजेशन होता है वो इनके बॉडी के आउटसाइड होता है, यानी कि बाहर होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर नहीं होता है डाइजेशन, ये बाहर ही डाइजेशन करते हैं फिर उसको टेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री है, नेम द ऑर्गन दैट मेक्स अप द ह्यूमन्स एलिमेंट्री कैनल? ठीक है, ह्यूमन एलिमेंट्री जो कैनल होती है इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? ठीक है, तो हम देखते हैं, ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल जो होती है उसमें हमारा सबसे पहले माउथ आता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर आपके फ्रेंक्स आता है, फिर ऑसियोफोगस है, फिर स्टोमक है, देन लार्ज और सॉरी स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली आपका रेक्टम और एनस है। ठीक है, एनस आपका लास्ट पॉइंट होता है डाइजेशन का, जहाँ पे आपका अन डाइजेस्टिव जो फूड होता है उसको आउट कर दिया जाता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर फोर देख रहे हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ? ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस हमें बताना है। तो देखो, मिल्क टीथ होते हैं, इनका जो नंबर होता है वो 20 होता है, जबकि परमानेंट टीथ हमारे एडल्ट के पास 32 होता है। ठीक है, मिल्क टीथ जो होते हैं वो 6 की एज में स्टार्ट हो जाते हैं फॉलिंग यानी कि गिरना, जबकि परमानेंट टीथ जो होते हैं वो थ्रू आउट द लाइफ यानी कि पूरी लाइफ टाइम रहते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं फिफ्थ, व्हाट इज सलाइवा एंड वेयर इज इट इज प्रोड्यूस? सलाइवा क्या होती है, कहाँ से प्रोड्यूस होती है? तो सलाइवा हमारे एक वाटरी सब्सटेंस होता है, वाटरी और सिलिपरी, जो कि हमारे माउथ से प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेस्ट बड्स? तो टेस्ट बड्स का फंक्शन क्या है आपको पता है, टेस्ट को डिटेक्ट करने का है। ठीक है, और टेस्ट जैसे सॉल्टीनेस, स्वीटनेस, सोरनेस, बिटरनेस ऑफ फूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेवन है, हाउ लॉन्ग डज फूड स्टे इन द स्टोमक? स्टोमक में फूड कितने टाइम रहता है? ठीक है, तो स्टोमक में जो फूड है
वो मोस्टली 3 या 4 या 5 आवर्स तक स्टे होता है। ठीक है, यहाँ पर फूड की चेकिंग की जाती है और फिर आगे हम इसको सेंड कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ डज द प्रेजेंस ऑफ एसिड इन द स्टोमक हेल्प। ठीक है, तो स्टोमक में जो है हमारे दो टाइप्स के एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं होते हैं। ठीक है, जो कि मैंने बोला ना अभी, स्टोमक में क्या होती है, चेकिंग होती है, यानी कि चेकिंग होती है, अगर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं तो वो किल कर दिए जाते हैं। आगे आपके कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है, जिनमें पहला क्वेश्चन है, लिस्ट एंड एक्सप्लेन इन वन सेंटेंस ईच द वेरिसेस प्रोसेस इन्वॉल्व द न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो देखते हैं एनिमल्स में जो न्यूट्रिशन, एनिमल्स में जो डाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो पहला आपका इनगेशन होता है। ठीक है, इनगेशन का मतलब होता है टेकिंग फूड इनसाइड आवर माउथ, यानी कि हमारे मुंह में फूड को लेना इनगेशन होता है। उसके बाद आपका डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन प्रोसेस में फूड का ब्रेकडाउन किया जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर सब्सटेंस में। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस थर्ड होता है, वो आपका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी इसमें आपके जो फूड है उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं या फिर, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय बिलीच के द्वारा, और ये काम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, और फिर आपका एसिमिलेशन होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जो आपका फूड अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में बिलीच के द्वारा जो एब्जॉर्ब किया है उसका यूटिलाइज करना। ठीक है, फिर लास्ट हमारा इगेशन होता है। इगेशन का मतलब जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको रिमूव करना बॉडी से। ठीक है, वो रेक्टम में पड़ा होता है हमारा अनडाइजेस्ट फूड, जिसको एनएच के द्वारा आउट कर दिया जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं जो कि हमारे डाइजेशन में आती हैं। क्वेश्चन सेकेंड, एक्सप्लेन थ्रॉग डायग्राम इन इनगेशन ऑफ द फूड अमीबा एंड हाइड्रा। ठीक है, तो अमीबा और हाइड्रा में हमें फूड का इनगेशन किस प्रकार होता है वो हमें यहाँ पर डायग्राम से बताना है। तो देखो, ये आपका अमीबा में फूड का इनगेशन हो रहा है। तो ये आपका अमीबा है जिसकी शेप जो होती है इरेगुलर होती है। इरेगुलर का मतलब फिक्स नहीं होती है। ठीक है, ये अपनी शेप को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेता है। इसमें जो ये चीज़ देख रहे हो आप, इनको हम, एक मिनट, ये जो चीज़ देख रहे हो आप, इनको हम बोलते हैं सूडोफोडिया। क्या बोलते हैं? सूडोफोडिया। ये फॉल्स फिट होते हैं। तो अमीबा इन्हीं से फूड को टेक करता है और इन्हीं से आउट करता है, यानी कि इन्हीं से फूड को टेक करता है। जैसे देखो, ये फूड है, ठीक है, इसको इनगल्प कर लिया इसने, पकड़ लिया यहाँ पे और पकड़ के अंदर डाल दिया बैकुल्स में। बैकुल्स में फूड का डाइजेशन हो जाता है और फिर उस अंडाशिड पार्ट जो होता है उसको आउट कर देते हैं। ये आपके हाइड्रा में, ठीक है, हाइड्रा में देखो, ये हाइड्रा की कुछ शेप होती है। ठीक है, ये जो हाइड्रा में हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको टेंटाकल्स बोलते हैं। ये टेंटाकल्स क्या काम करते हैं? ये टेंटाकल्स वही काम करते हैं जो सूडोफोडिया, मतलब अमीबा में सूडोफोडिया करता है, यानी फूड को पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये टेंटाकल्स ने इस फूड को पकड़ लिया है। ये कुछ स्टिक टाइप होते हैं जिनसे फूड चिपक जाता है और उसको ये पकड़ के अपने, ये माउथ होता है, इसमें अंदर डाल लेते हैं। ठीक है, देखो ये अंदर डाल लिया यहाँ पे, और अंदर डाल के बॉडी में अंदर छोड़ देते हैं। बॉडी में कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं और जिससे कि ये जो प्रे है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हाइड्रा हो गया। हाइड्रा जो है आपका यूनिसेलुलर नहीं है, हाइड्रा आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द 4 टाइप्स ऑफ टीथ एंड इन योर माउथ एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, तो हमारे मुंह में 4 टाइप के टीथ होते हैं। पहला जो आपका पढ़ रहे हैं वो है इंसिसर्स। इंसिसर जो टीथ होते हैं वो हमारे बिल्कुल फ्रंट में होते हैं। ठीक है, और इनका काम होता है वाइटिंग और कटिंग, यानी कि वाइट वाइट करना या फिर काटना। ठीक है, और फिर उनके जस्ट बगल वाले जो टीथ होते हैं वो कैनिंज होते हैं। ठीक है, 1-1, यानी कि एक जॉ में 2 होते हैं, ऊपर भी 2 होते हैं, नीचे भी 2 होते हैं। ठीक है, इनका जो काम होता है वो पायसनिंग करना होता है। ठीक है, और टियरिंग करना होता है, पहले पीसेज ऑफ द मीट्स, मीट्स के पीसेज या जो भी आप कुछ खा रहे हो उनको टेयर करने का काम होता है। ठीक है, गन्ना चूसते हैं ना, इसी से चूसते हैं, मतलब गन्ने में इसी से हम टेयर करते हैं। ठीक है, प्रिलिमोरल्स ये हमारे कैनिज के पीछे होते हैं। ठीक है, और इनका काम होता है क्या, क्रश करना, ग्राइंड करना या फिर क्रश करना, जो भी फूड है उसको क्रश करना या फिर ग्राइंड करना। ठीक है, फिर लास्ट है मोलर्स, जो कि प्रिमोलर्स के पीछे होते हैं। इनका है काम ग्राइंडिंग एंड वही सेम सेम होता है दोनों का। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, व्हाट इज़ द पेरिस्टेलिसिस, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो देखो पेरिस्टेलिसिस प्रोसेस क्या होती है, बहुत अच्छे से समझना यहाँ पे ध्यान से। पेरिस्टेलिसिस कैन बी डिफाइंड एज द वेव लाइक एक्शन ऑफ द मसल्स
जो मसल्स होती हैं उनका बिहेवियर एक्शन होता है ऑफ द ऑर्गन्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनल टू पुश द फॉरवर्ड, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्री कैनल है ये वाली, इसमें ये हमारा ऑसोफोगस है, एक तरह से फूड पाइप है, इसमें जो हमारा फूड है उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ मूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको पेरिस्टेलिसिस कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा, बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस। तो हम वन वन का देख लेते हैं। यहाँ पे पहले हम सलाइवा का देखते हैं, सलाइवा का क्या है। देखो, सलाइवा जो होता है आपके फूड का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है इंटू सिंपलर शुगर्स में। ठीक है, और इट मेक्स फूड वेट, और सलाइवा जो होता है फूड को वेट करता है यानी गीला करता है, जिससे हमारा फूड ईजिली क्या हो जाता है, इनगल्फ हो जाता है और स्लिपरी बनाता है हमारे फूड को, जिससे कि वो इजियर होता है फूड पाइप से नीचे स्टोमक में जाने के लिए। फिर बात करते हैं बाइल जूस। ठीक है, तो बाइल जूस जो होता है आपके लीवर से सीक्रेट होता है पहली बात तो, और ये क्या काम करता है, ये भी हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में काम आता है, यानी ये फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, बाइल जूस और फैट्स को ब्रेक डाउन करके उनको फैटी एसिड्स और कुछ ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं पैंक्रियाटिक जूस की। तो पैंक्रियाटिक जूस जो होता है वो हमारे पैंक्रियास से सीक्रेट होता है, और ये हमारे मतलब जो स्टार्च, हमारा जो स्टार्च होता है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको सिंपल शुगर और प्रोटीन में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं, व्हाट हैपेंस टू फूड इन द स्टोमक, मतलब फूड का स्टोमक पे क्या होता है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम स्टोमक का पढ़ रहे हैं। तो मैंने बताया आपको कि स्टोमक में फूड की चेकिंग होती है एक तरह से, और कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट किए जाते हैं। तो पढ़ लो, स्टोमक सिक्रेट एसिड्स एंड द डाइजेस्टिव जूस दैट किल द बैक्टीरिया, मतलब चेकिंग होती है फूड की, और कुछ अगर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं तो बैक्टीरिया उनको किल कर देता है एंड प्रेजेंट ऑफ द फूड। फर्दर डाइजेस्टिव जूस आर ब्रेक्स प्रोटीन्स। ठीक है, डाइजेस्टिव जूस होते हैं वो प्रोटीन को और आपके जो स्टार्च होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, और फिर बात आती है स्मॉल इंटेस्टाइन की। ठीक है, फिर हमारा जो ये फूड है वो स्टोमक से और स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, मतलब स्टोमक में जो हमारा फूड है वो करीब 4 या 5 आवर्स तक रहता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके फूड का कम्प्लीटली ब्रेकडाउन होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ और डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। ठीक है, जैसे लीवर से आपका बाइल जूस सीक्रेट होता है, पैंक्रियास से आपका पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। ठीक है, ऐसे सभी जूस सीक्रेट होते हैं, और ये क्या करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे आपका बाइल जूस है। ठीक है, वो आपके फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, और पैंक्रियाटिक जूस है ठीक है वो आपके स्टार्च को प्रोटीन और अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन हाउ डाइजेस्टिव फूड इन एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड्स। ठीक है, डाइजेस्टिव जो फूड है वो ब्लड में कैसे एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो ये काम जो होता है वो ब्लीच का होता है। ठीक है, ब्लीच जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, और ब्लीच क्या होती है, देखो ब्लीच जो होती है हमारी फिंगर लाइक, मतलब फिंगर जैसी प्रोजेक्शन होती है जिनको हम ब्लीच कहते हैं, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल में होती है। ठीक है, और दीज ब्लीच कंप्राइज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यानी कि ये ब्लीच जो होती है वो ब्लड वेसल से जुड़ी हुई होती है, मतलब पीछे से ब्लड वेसल से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो ब्लीच जो होती है आपके फूड को, ब्लीच जो होती है वो अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है। ठीक है, सरफेस एरिया को इसलिए इंक्रीज करती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्बेशन कर सके, फिर वो फूड का एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको वो ब्लड वेसल्स में ट्रांसपोर्ट कर देती है, मतलब ब्लड वेसल्स में भेज देती है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स के द्वारा जो फूड है वो हमारे पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है, मतलब जितनी भी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में हर सेल्स को सप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, फिर वहाँ पे जाके सेल्स में फिर क्या होता है, फूड को एनर्जी में कन्वर्जन होता है, यानी कि रेस्पायरेशन प्रोसेस के द्वारा एटीपी के फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रीफली एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन द रूमिनेंट्स। ठीक है, तो रूमिनेंट्स में हमें डाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। तो पहले बात तो रूमिनेंट्स कौन होते हैं, जो प्लांट ईटर्स होते हैं यानी प्लांट्स ईट करने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको रूमिनेंट्स कहते हैं। ठीक है, इनमें कुछ एनिमल्स आते हैं जैसे बफेलो है, काऊ है वगैरह है। ठीक है, और गोट्स हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, देखो इनमें कैसे प्रोसेस होता है, द स्टोमक ऑफ रूमिनेंट्स इज डिवाइड 4 चैम्बर
इनका स्टोमक जो होता है फोर चैम्बर में डिवाइड होता है। एज सून एज रुमिनेंट्स स्वेलर द फूड, यानी रुमिनेंट्स रुमिनेंट्स कौन है, ये सभी एनिमल्स जैसे गाय बफेलो वगैरह, ठीक है, इनको रुमिनेंट्स बोलते हैं। ये फूड को चबाते हैं एंड एंटर्स द फर्स्ट, सबसे पहले जो फूड जाता है वो उनके फर्स्ट चैम्बर में जाता है जिसका नाम होता है रूमेन, ठीक है। और फिर वेयर इट इज पार्टली डाइजेस्टेड, ठीक है, ये कुछ पार्टली डाइजेस्टेड होता है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में जो ये फूड को टेक करते हैं वो एक तरह से उसको निगलते हैं ये, ठीक है, इनगल्फ करते हैं, इसको चबाते नहीं है ये, निगलते हैं, ठीक है, चबाते तो ये बाद में है, ठीक है, बाद में ये बैक दोबारा रूमेन से वापस अपने मुंह में लाते हैं उस फूड को, ठीक है, जिसको हम कड़ बोलते हैं, ठीक है, एक बार जो निगल लेते हैं फर्स्ट टाइम में उसको कड़ बोलते हैं, जो कि रूमेन में जाता है। फ्रॉम हेयर, देखो यहाँ से द फूड एंटर्स द सेकेंड चैम्बर, फिर यहाँ से सेकेंड चैम्बर में जाता है, वहाँ पे से फिर दोबारा माउथ में लाया जाता है, यानी फूड को दोबारा माउथ में ले जाता है, फिर माउथ में ला के फिर उसको फिर से चबाया जाता है, फिर फाइनली उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, ठीक है, थर्ड चैम्बर में स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर वहाँ पे जाके फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, और वही प्रोसेस सेम जो हमारे बॉडी में होती है, ब्लीच का दोबारा एब्जॉर्बेशन होता है, फिर ब्लड वेसल्स में भेज दिया जाता है, फिर वही एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है। तो ये कुछ आपका सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे कंप्लीट होते हैं चैप्टर 2 के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सब को पढ़ने का एक मौका मिले और सब अपने मार्क्स को अपग्रेड कर सकें। एंड अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपने इस चैप्टर का स्पेनिंग वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, ठीक है, आपको ये चैप्टर कम्प्लीटली समझ में आएगा। और बाकी के चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके बाकी के चैप्टर्स चैप्टर नंबर 1 से लेके 15 तक हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर या फिर आप उसको समझ सकते हो। सारे वीडियोज़ इस चैनल में प्रोवाइड किया गए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।